If you want the video in Marathi, then subscribe to my channel and click on bell icon. नमस्कार, मेरा नाम है आरके आरके नहीं रंजीत। और सबसे पहले तो मैं आपको जो टाइटल ऊपर दिया है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो मेरा ये कहना है कि कोई आदमी आपको कुछ बोलता है तो उसको बोलते हैं बच्चा ऐसा ऐसा है। तो वही चीज बताना चाहता हूँ कि आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी हो, लेकिन उसकी जो सोच है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप देखिए, छोटे से छोटा बच्चा भी आपको कुछ बता देता है कभी कभार, तो वो बहुत बड़ी जो बात होती है, क्योंकि कोई बड़ा आदमी भी ऐसा सोचता नहीं। तो ऐसे इस चीज के लिए मैं बोल रहा था कि अपना ऐसा कभी नहीं होता है कि ये छोटा है तो ये छोटी सोच रखता है, ऐसा नहीं होता है। तो वही बात बोल रहा था कि एक इंसान बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, वो इमेजिन कर सकता है, थिंकिंग विचार कर सकता है, मतलब सोच सकता है। तो वही असल में वही बात होती है, हम सक्सेस नहीं मिल पाता है हमको। तो कारण वही है कि देखिए, हमारे लाइफ में क्या करना है, हमारे लाइफ में कुछ नहीं होता है। आपको पता ही है, जैसे कि देख सकते हैं हम क्या करते हैं अपने लाइफ में, हम क्या करते हैं। देखिए, जैसे ही पैदा होते हैं उसके बाद में हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाकर कोई डिग्री प्राप्त करते हैं, डिग्री लेते हैं नहीं लेते हैं, ठीक है, दो होते हैं, एक तो डिग्री लेते हैं नहीं तो दूसरे। तो डिग्री लेने के बाद आप जॉब करते हैं, अगर स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ करके हमको पेट तो भरना है, दो टाइम का खाना मिले बस। आदमी की पहली जरूरत तो एक, वो तो तीन चार है, वो तो सब एजुकेशन में अपना जो स्कूल में सब बता दिया है वो अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हमारे पूरे इस जिंदगी में हम जो जरूरी होता है तो एक चीज़ होती है, कौन सी चीज़, खाना। जितना आप खाएंगे उतना आप काम कर पाएंगे, और काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो जरूरत की जिन चीज़ें हम खरीद सकते हैं। तो असल में वही बात होती है कि हम जो पैसा कमाते हैं वो कौन चीज़ के लिए पैसा कमाते हैं। तो देखिए, पहली तो चीज़ खाने के लिए, दूसरी चीज़ होती है कि ऐशो आराम मिलना चाहिए। जैसे कि देखिए, हमको अगर एक काम पर, मैं सोचे कि मैं 2 किलोमीटर पे मेरे काम पे जाता हूँ, तो 2 किलोमीटर जाने आने के लिए टाइम चल पैदल जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं क्या सोचता हूँ कि देखो, मेरे पास थोड़ा पैसा आएगा तो मैं थोड़ा पैसा डाल के गाड़ी ले लूँगा, तो गाड़ी से ले जाके मैं आपको जाके आने का जाने का रहता। तो उसमें क्या होता है कि हमें ऐसा चाहिए होता है अपने लाइफ में, उसमें हम जल्दी में अपना काम निपटे और हमको हार्ड वर्क ज़्यादा तक नहीं पड़े। तो असल में वही बात होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमा कर हम सोचते हैं कि हमको अच्छा जो भी रहता है, मतलब देखिए, हमका हमारा खुद का एक जगह हो, उसमें बंगला हो, उसमें गाड़ी हो, ये सब चीज़ें ना अपने दिमाग में चलती है। ऐसा सोचिए कि देखिए, जो 2-3 हज़ार रुपये आज आपको बता देता हूँ जी, यहाँ पे आपने ये आज तारीख कितना है, तो आज तारीख है देखिए 15/7/2018, तो आज भी 2,500-3,000 में जो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल होते हैं उसमें गवर्नमेंट की जो औरत लड़कियाँ जो भी होती है, मैडम जो होती है, वो अभी भी 2,500-3,000 में काम करती है। तो 2,500-3,000 में उनका तो महीना नहीं निकलेगा। तो वही बात है कि ऐसा नहीं है कि आपको आपके पास भी बहुत पैसा होगा तभी आप जिंदा रहते हैं। तो एक एक आदमी को सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस माने कि मेरे हिसाब से सक्सेस कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बड़ी बात माने कि मैं सीधे बोल रहा हूँ, मैं फेंक नहीं रहा हूँ कि नहीं तो संदीप जी नहीं बोल बन रहा हूँ। तो आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, लाइफ में आप फेल होंगे तो पीछे मत हटिए। सबसे पहले तो चीज़ एक है कि अपनी ज़िंदगी में हम आए हैं तो सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी होती है, जिंदगी में आएंगे तो एक जरूरी चीज होती है, वो है खाना। दो वक्त का खाना मिलेगा ना, वो बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है। तो एक तो पहली चीज, हमको हर दिन खाना खाना है, वही एक बात है। तो उसके लिए आपको
जो भी करेंगे आप करेंगे जरूर, हम आप बड़े हो जाएंगे तब आपको पैसा मिलेगा ही, लेकिन कब मिलेगा, आप कुछ काम करेंगे तब मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जिंदगी में, पहले तो अभी देखिए मेरा छोड़ दीजिए, बाकी का ऐसा रहता है कि जिसके पास में थोड़ा बहुत पैसा होता है, अभी एजुकेशन ऐसी चीज भी वो 10वीं तक आराम से फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं कि बच्चे लोगों को स्कूल में ही नहीं डालते हैं। वो सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे सबसे बेकार चीज वही है कि बच्चे जो होते हैं ना उनको स्कूल में डालना है। स्कूल में डालेंगे तो वो पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में आइडियाज आएगी, सोचने लगेंगे, वो सोचना बहुत बड़ी बात है। अगर आप सोचेंगे, जितना सोचेंगे ना उतना आगे बढ़ेंगे। ऐसा होता है, आप एक रूम में एक लड़के को रखेंगे ना पूरा जिंदगी भर, वो अंदर ही घूमते रहेगा ना, वो अंदर रूम में रहेगा, जहाँ में बाहर में क्या चल रहा है कुछ उसको पता नहीं होता ना। ऐसे लड़के देखे कुछ नहीं कर पाते, जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अपनी जो सोच होती ना, वो सोच को बढ़ाने के लिए उनको बाहर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और असल में वही बात हम करते हैं कि हम गलती वही पे करते हैं कि हम सोचते नहीं है। जो आदमी बोलता है ना, अरे इतना मत सोचो, आगे का जो होगा होगा, ऐसे नहीं होता है। आगे का सोचो तभी तुमको पता चलेगी कि आगे क्या होने वाला है। एक दो बार आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, फेल होते रहेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप सही होंगे उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो खुशी होगी ना वो लाजवाब होगी, एकदम ऑसम वाली फीलिंग होगी। तो वही बोल रहा था कि मैं अपना सोच थिंक ये पढ़ाई, अपना इमेजिनेशन करिए कि ये चीज ऐसी होती है। फिल्म में डायरेक्टर जो होता है क्या चीज का होता है, डायरेक्टर क्या होता है, एक जो बुक राइटर जो होता है ना, वो क्या करता है, इमेजिन करता है आगे क्या होगा। ये सब चीजें मिला के, पूरे ये सब चीज मिला के एक कहानी बनती है। तो उस पे ही डायरेक्टर वो कहानी पढ़ के इमेजिन करता है कि इसके बाद ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें आप ले लेंगे ना तो आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूरा सक्सेस ही मिलेगा आपको, ये सब चीजें करके सक्सेस मिलेगा ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, देखो एक चीज लीजिए, जैसे कि आपको सोचिए, आपको जैसे यू आर इंडियन कंज्यूमर जो यूट्यूबर है, टेक्निकल बोल लीजिए, जैसे यूट्यूबर के बारे में, ठीक है चलिए मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ तो वैसे बोल रहा, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उसके बारे में आप इंटरनेट पर देख लीजिए, बहुत ऐसे सारे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको पता है ना, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है उसके इसमें बोल रहा हूँ। देखिए दुनिया में ऐसी कोई चीज है, ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं है कि इंसान ने बनाई है और वो कोई सीख नहीं पाए। आप पढ़ाई में कच्चे ऐसे बोलते हैं आप, मतलब मैं खुद को बोलता हूँ, आप तो छोड़िए, मैं खुद को बोलता हूँ कि मुझे पढ़ाई में कुछ नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं अगर सब बाकी काम छोड़ के पढ़ाई में घुसू, मतलब पूरा डीप नॉलेज ले लू, तो मैं उसमें सक्सेस मुझे मिल सकता है, मैं पढ़ाई में आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं, 10वीं में 12वीं तक आप पढ़िए, वो क्या होता है ना, वो फाउंडेशन है अपना सक्सेस का, फाउंडेशन मेन चीज है, वहां से आपकी शुरुआत होगी। तो उसके बाद ये 10वीं 12वीं जो फेल हुए है ना, वो कभी आप ऐसा ना बोले कि हम फेल ही रहे, फेलियर जिंदगी में कोई नहीं होता है, आप कोशिश करते रहेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, जितनी बार फेल होंगे उससे ज्यादा ही कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार फेल होने के बाद आप दूसरी बार जब ट्राई करते हैं तो 2 गुना पावर आपके पास में होती है पढ़ाई। तो वही चीज करिए, एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, चौथी बार, जब तक वो पूरा नहीं होगा, लेकिन आपका उसमें मन नहीं रहेगा तो आप फेल होते रहेंगे। तो आपको करना है वही जो आपको तब मन में आया कि भाई मुझे ये करना है कंप्लीट पूरा एकदम, मैं 100% करके दिखाऊंगा, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आपके मन के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, फिर तो दूसरी बात बोलेंगे कि ये बोल रहा है इतना, लेकिन क्या मेरे सामने बैठ के क्या करेंगे। तो मैं इसके लिए यही जो ये टाइटल डाला है ना, इसके लिए वही डाला है कि मेरी ये सोच है वो बता रहा हूँ आपको, फायदा होगा नुकसान होगा,
नुकसान तो नहीं होगा, फिर भी बोल रहा हूँ। देखिए ये कोई भी एक चीज लीजिए, ठीक है, जैसे साइकिल मारना सीखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम एक गाड़ी सीखते हैं, साइकिल सीखते हैं, कोई भी चीज हो, तो उसमें देखिए शुरुआत में आपको मजा आता है, ठीक है चलो भाई ऐसा करो, ब्रेक दबाओ, गियर डालो, क्लच दबाओ, फिर निकालो जाओ आगे आगे, हैंड ब्रेक निकालो, पहले फोर व्हीलर सीखनी है तो ऐसा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज डीप में जितना जाओगे उसमें सक्सेस मिलेगा। देखिए एक सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको अगर गाड़ी चलानी है फोर व्हीलर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ना, पहले शुरुआत में डर लगता है मन में, सब चीज होती है वो सब पता है, सिंपल है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि एक कैसा उदाहरण दे रहा है तो सबको आता है, लेकिन आपको ये एग्जाम्पल से सीखना है दूसरा चीज, ठीक है। आप पहले तो गाड़ी सीखना है तो पहले सब आप ध्यान में रखिए कि भाई देखो इसके बाद ये होता है, उसके बाद ये सब ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद आप बैठेंगे गाड़ी में तो आपको वो सब चीजें याद नहीं आएंगी, उस टाइम पे जब गाड़ी चला था ना उस टाइम पे कुछ नहीं याद रहेगा आपको, ठीक है। तो अगर हड़बड़ी में आप कुछ दूसरा ही करेंगे, क्लच दबाने के बजाय ब्रेक दबाएंगे और गाड़ी को, ऐसा कुछ बहुत सारा कुछ होगा, लेकिन उसी से आप सीखेंगे कि भाई ये मेरी गलती की थी और मुझे ये सुधारना है, तो वो दिमाग में रहता है, वो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है। तो वही चीज है ना हमको करनी है, एक्चुअली में वही चीज करनी है कि हमको अपने जिंदगी में सिर्फ एक बोल रहा हूँ, एक ही काम ऐसा करना है ना कि उसका डीप नॉलेज हो, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी लीजिए, एक कंप्यूटर इंजीनियर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंजीनियर जो होता है ना, छोड़िए डॉक्टर, जो भी हो, एक जो पैसा कमाने के लिए, खाना खाने के लिए पैसा मिलना है ना, तो वो पैसा कमाने के लिए एक बिजनेस करिए, नहीं तो जॉब करिए, नहीं तो कुछ भी करिए, उसमें एक चीज होती है कि आप एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी हो। अभी देखिए पैसा कौन कमा रहा है, जो आदमी एक्सपर्ट है वही कमा रहा है पैसा, जो एक्सपर्ट नहीं है वो घूम रहा है इधर उधर आराम से, अपना सुबह उठो, दांत ब्रश ब्रश करके नहा धो के अपना तैयार हो के अपना लिया गाड़ी जाके बैठ गया अपना सीधा ना, कहीं भी चौक में रास्ते में बैठ जाता है और अपना टपोरी करता रहता है। वो कोई कोई होते है, ठीक है चलो उसको कोई कदम नहीं है, ये वो सब वो चीज, एक लड़के होते और दूसरी चीज लड़के होते हैं जो पैसे वाली बात करते हैं, जिसके पास पैसा है बहुत सारा पैसा बात करते हैं वो लोग करते हैं। तो असल में वही बोल रहा हूँ कि आप है ना कोई भी काम करिए, कोई भी कौन सा भी कुछ भी करिए, लेकिन उसमें आप एक्सपर्ट बने तभी आपको सक्सेस मिलेगा, मुझे यही बात बतानी थी इसलिए मैं वीडियो बनाया। तो जो भी फेल होते हैं उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड करते हैं वो लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आप एक काम करिए कि आप ऐसा ना सोचिए कि मैं फेल हो गया, फेल होने के बाद सुसाइड करके कुछ फायदा नहीं होता है, फायदा तो छोड़िए आप जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं और भुगतना किसी और को पड़ता है। तो ये चीजें होती है, आप ऐसे मत करिए और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। देखो ये बहुत बुरी बात है, आप जिंदगी में आए ऐसा लगता है कि मैं होशियार नहीं हूँ, मैं होशियार लोग होते हैं उनकी तरह नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है, होशियार कोई नहीं होता है, जो एक्सपीरियंस करता है, जो खुद से मन से पढ़ता है वही आदमी सक्सेस मिल पाता है, उसको ही सक्सेस मिल पाता है। तो अभी देखिए मैंने सोचा, मैं जब नहा रहा था उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि नहीं आज वीडियो बनाया ना, आज संडे है, तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं आज वीडियो बनाना है, एक सक्सेस के बारे में बनाना है वीडियो, संदीप जी का ऐसा नहीं, उनके साथ उनका और मेरा कुछ ये नहीं, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप फेल होंगे तो ऐसा मत सोचिए, फेल होने के बाद भी छोड़िए, कुछ भी हो आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं मुझे कुछ भी आता है, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिंपल से एक बात है, किसी भी चीज़ में जाइए, कोई भी चीज़ करिए, लेकिन उसका डीप नॉलेज लीजिए, और जब तक वो डीप नॉलेज आपको नहीं आएगा ना चुप मत बैठिए। जैसे कि मुझे अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऑटोकैड, मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, मुझे ऑटोकैड कुछ नहीं पता है, फिर भी मैं क्या करूँगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा, मैं ऑटोकैड मुझे कुछ पता नहीं तो मैं क्या करूँगा, पहले तो उसको खोलूँगा, ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको खोलूँगा, उसके बाद में उसमें क्या क्या होता है देखूँगा, ठीक है, उसके बाद उसको अगर मुझे सीखना है तो मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पे जाऊँगा, यूट्यूब से
हो सकते हो उतना ले लूंगा, ठीक है। नहीं मुझे कुछ नहीं सीखा, ऐसा लगा कि आपको मुझे YouTube से नहीं सीखने के लिए मिला, तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप बाहर कहीं पे जाके क्लासेस अटेंड करके वहां से भी मिल सकता है आपको एक्सपीरियंस लीजिए। सिर्फ एक्सपीरियंस ही आपको आगे बढ़ा रही है, बढ़ने के लिए सबसे मतलब जो सीढ़ियां होती है ना, हमको ऊपर चढ़ना है तो सीढ़िया की जरूरत होती है, तो सीढ़िया कौन बनेगी, एक्सपीरियंस बनेगा। आप डीप नॉलेज लीजिए, वही आपकी सीढ़िया बनेगी, और सक्सेस आपको तभी मिलेगा आप एक्सपीरियंस करेंगे, खुद से सीखेंगे। सिखाने वाला आगे होता है, मैं जैसे पक पक कर रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ कि नहीं सिखा रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। अगर वो सुन के आप उसके बारे में सोचेंगे, सोचने के बाद कुछ करेंगे, तो मैं सीढ़ी बन गया, एक स्टेप मैं बन गया। तो यही चीज है कि आप सोचिए और सोच के पढ़ाई करके एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़िए, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो मैं वही बोल रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस ले किसी भी चीज में, कोई भी चीज हो, ऐसे नहीं कि सिविल इंजीनियर ही आपको बनना है, नहीं तो डॉक्टर ही बनना है। नहीं, देखिए जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं वो लोग, वो भी अभी इतना डीप में जाके नॉलेज लेके इतना सारा वो खेती कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं बहुत कुछ कुछ कर रहे हैं। तो वही बात असल में है कि आप डीप में नॉलेज लीजिए, आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। और बिजनेस को सक्सेस मिलने के लिए सबसे बड़ी बात है आपका जो दिमाग है ना, वो दिमाग एकदम क्लियर रहना चाहिए, और अच्छे से आप उसको मेंटेन करती रहिए, अच्छे से रहिए लोगों के साथ में, अच्छे से बर्ताव करिए, अच्छे से रहिए सबके साथ में, बात करिए। उस वो कुछ बोल रहा है जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो उसको सुनिए, उसका भी सुनिए कि क्या बोल रहा है, और वो गलत बोल रहा है कैसे, मतलब गलत बोल रहा है कि अच्छा बोल रहा है, तो वो सब देख के आप उसको थोड़ा विचार करके उसके ऊपर किसी से बात करके, आपसे बड़ा कोई होगा, आपका जो अच्छा बोलने वाला कोई होगा, उससे बात करके ये सब करके आप उसके बारे में आप फिर सोच के डिसीजन ले। ऐसा नहीं कि ये कुछ भी बक रहा है और ये, ऐसा नहीं है। आप सोचिए, आप सोचने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये सही है या गलत। डायरेक्ट एकदम मतलब फास्ट डिसीजन जो होता है ना, वो आपको घाटा कर देता है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम में फंसा देता है। तो वही बात है कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब यही है कि सक्सेस मतलब डीप नॉलेज माने की सक्सेस है, बस दैट्स इट। इसके बारे में इतना सोचिए ना कि क्या होता है, तो एक ही बात बोल रहा हूँ मैं, बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि डीप नॉलेज होना जरूरी है। किसी भी चीज का आपको डीप नॉलेज होता है, वही सक्सेसफुल आदमी होता है। कोई भी आदमी देखिए, यहाँ पूरे पृथ्वी में कोई भी आदमी देखिए, एक्सपर्ट कोई भी लीजिए, एक्सपर्ट माने क्या होता है, उसको पूरा जानकारी होता है, एक टू जेड। जैसे कि मैंने लैपटॉप लिया, लैपटॉप लेके उसमें वो उसको एक्सपर्ट होता है, उसके बाद उसके पास में जाके दे दिया, तो बराबर पता लगा था कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वही मैं बात बता रहा हूँ, वो एक्सपर्ट हो गया। तो आप अपने काम में एक्सपर्ट बनिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। एक ही बात, आप एक्सपर्ट बनिए, एक्सपर्ट बनेंगे तो क्यों नहीं सक्सेस मिलेगा आपको। सक्सेस के पीछे हम क्या करते हैं ना, हम जाते हैं और स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज होने के बाद हम सोचते हैं कि हमें बिजनेस में सक्सेस अभी मिलेगा, बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस आ गया है, उसके बाद में अपना परसेंटेज अपना अच्छा है, तो हमको जॉब भी अच्छी मिलेगी। और एक एक ऐसे लड़के होते हैं जिनको परसेंटेज अच्छा हो के भी जॉब पे नहीं होते, बिजनेस में डल होते। क्यों? क्योंकि अपना दिमाग नहीं चलाते। ये सब चीजें होती है, आप जितना हो सकते हैं एक्सपीरियंस लीजिए, डीप नॉलेज लीजिए, सक्सेस आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो वही आज मैं बोल रहा था कि मैं जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है, बाकी आपके हाथ में है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे कुछ आपको कुछ समझ में आया है तो लाइक करिए, नहीं करना है तो मत करिए। ऐसा नहीं है कि करना ही है, मुझे तो लगता है कि मैंने जितना बताया उसमें तो आप लाइक दे देंगे। तो वही बात बोल रहा था कि एक बार आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन अगर कुछ लगा हो कि मेरा बात में कुछ दम है तो
watching and keep sharing. Like, thank you. Thank you so much. Bye bye. अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो घंटी है उसको दबाइए, उसके ऊपर प्रेस करिए, तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।